हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मैटर्स। चलिए अच्छा काम शुरू करते हैं। अभी तक हमने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये 6ठा वीडियो है, रिवोल्ट ऑफ 1857 आज का टॉपिक है। इसके पहले के जितने भी 5 वीडियो हमने अपलोड किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको प्लीज जाइए, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे मौजूद है, उन सारे वीडियोज को देख जाइए। फिर ये 6ठे वीडियो को शुरू करते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर ये प्रयास हमारा आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए आज काम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द न्यू इनफाइल राइफल विथ ग्रीस कार्टिडीज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। दिसंबर 1856 में इंट्रोड्यूस होता है। इसे आप याद रखिएगा, 47 बीपीसी प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखते हैं क्या है बात। द कंपनी डिसाइडेड टू यूज न्यू इनफाइल्ड राइफल इंस्टेड ऑफ ओल्ड ब्राउन बेस गन इन दिसंबर 1856। ठीक है। द ट्रेनिंग फॉर द यूज ऑफ दिस राइफल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डमडम अंबाला में एंड क्या है सियालकोट अंबाला में। द राइफल नीडेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड ऑफ लोडिंग ऑफ कार्टिडेज इन द मैगजीन एंड हेंस द सोल्जर्स व्हाइल इन द यूजिंग इशुइंग फाइट हैड टू बाइट ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिडेज वाइल लोडिंग इट डाउन इन टू राइफल मजल्स राइफल्स मजल्स में। द कार्टिडेज वॉज क्या है रोमर्ड टू हैव बीन ग्रीस्ड विथ एनिमल फैट पिग फैट एंड काउ फैट। उसका ग्रीसिंग जो हुआ था वो गाय और सुअर के फैट से हुआ था। ठीक है, इस एनिमल के फैट से। तो आर्मी कमांडर रिफ्यूज टू रूमर्स विदाउट एनी क्रॉस चेकिंग। और आर्मी कमांडर जो थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया बिना क्रॉस चेकिंग किए कि ये हम काम नहीं करेंगे। बट द सोल्जर्स वर द व्यू डैट दिस वॉज एन इंटेंडेड एक्ट ऑफ ब्रिटिश विद द एम टू बिस्मार्क देयर रिलीजन। और ये जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपने इसे रिलीजन पे ले लिया। दिस बिकेम द इमीडिएट कॉज फॉर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल फॉर 1857। तो ये इमीडिएट कॉज था हमारा इंडिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। यही था ना, सस्पिशन था कि हमारा जो रिलीजन के मैटर में ये ब्रिटिशर्स जो हैं अब घुसना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए रीजन फॉर मेकिंग द सिपॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिवेलियस। कौन इसमें कारण नहीं था। देखिए, फर्स्ट द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। अब्वियस सी बात है ये था। इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, नॉट। तो अब्वियस सी बात है, एफर्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी ये तो था ही। द ऑर्डर ऑफ द सिपाही टू ट्रेवल ऑन शिप्स ये था ही। द स्टॉपेज ऑफ भत्ता ये कारण था। कारण नहीं क्या था, द इनफिशियंसी ऑफ द ऑफिसर्स ये कारण नहीं था। द इनफिशियंसी ऑफ द ऑफिसर नॉट कॉज फॉर द सिपाही मुटनी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये बीपीएससी प्री 2018 में पूछा जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। मंगल पांडे इंसिडेंट टूक प्लेस एट बैरकपुर। बैरकपुर याद है ना, बैरकपुर को याद रखें। सोल्जर्स डिनाई टू यूज कार्टिडेज ऑफ एन एनिमल फैट है ना, डिनाई कर देते हैं इन बैरकपुर 29 मार्च 1857। एंड मंगल पांडे मर्डर्ड हिज एडजटेंट। ठीक है, ब्रिटिश डिजॉल्व 34 एनआई रेजिमेंट एंड पनिश द कल्प्रिट। विथ Which uprising is Mangal Pandey associated? Barakpur. Barakpur याद रखिए। Mangal Pandey was the sepoy of किसका सिपाही था? Mangal Pandey 34th Bengal Native Infantry का सिपाही था। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। एट नंबर देखिए, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। इसमें कोई ऑप्शंस में सही नहीं दे रखा है इस सिक्स नंबर में, इसलिए 34th बंगाल नेटिव होगा। ठीक है, चलिए सेवेंथ नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टॉयड विद द टाइटल ऑफ साहिबे आलम बहादुर बाई बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। साहिबे आलम किसको दिया गया था, भक्त खान को। भक्त खान वाज ए पास्तून रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ रोहिल्ला चीफ निजाबुल दौला। भक्त खान अराइव्ड इन दिल्ली इन 1 जुलाई 1857 को ये आया था। विच प्रूव द लीडरशिप पोजिशन ऑफ बहादुर शाह जफर। भक्त खान सुपीरियर एबिलिटी क्विकली बिकम एविडेंट एंड इम्पेरर गेव देम एक्चुअल अथॉरिटी एंड टाइटल ऑफ साहेब आलम। ठीक है, वॉट वॉज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, मेन कॉज की बात करें, ये यूपीपीसीएस प्री में पूछा है, तो पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो था वो मेन कॉज था 1857 रिवोल्ट का। ठीक है, चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से, ठीक है. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, सिपाही रिफ्यूज टू यूज न्यू राइफल कार्टेज एंड रिवोल्टेड ओपनली, द लेफ्ट मेरठ एंड मूव टू द दिल्ली एंड जनरल हेयत हैज नॉट ट्राई टू स्टॉप दिस रेबेलियन, जनरल विलोपी रिसिस्टेड बट वॉज डिफीटेड. मुगल इंपीरियर बहादुर शाह जफर वॉज डिक्लेयर एज इंपीरियर ऑफ इंडिया, द सक्सेस ऑफ दिल्ली रिवोल्ट sensitized north and western parts of India and revolt spread over to area of Awadh, Rohilkhand, western Bihar, etc. The first evidence relating to the war of independence of 1857 was marching of sipahi to Delhi Red Fort. First evidence relating to the war of independence kya tha? Marching of sipahi to Delhi Red Fort. ठीक है. Symbol of 1857 independence struggle was lotus and chapati. याद रखिएगा. Which वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश, दिल्ली. दिल्ली का जो सेंटर था अपराइजिंग 1857 का, वो रिकैप्चर कर लिया गया था इंग्लिश के द्वारा. ठीक है. 12-13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यूपीपीसीएस प्री स्पेशल प्री में पूछा हुआ है. द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज वाराणसी. वाराणसी की जन्मी थी हमारी महारानी लक्ष्मीबाई, याद रखिएगा. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली, कौन था, खान बहादुर. खान बहादुर बरेली से लीडर ऑफ द रिवोल्ट थे. खान बहादुर, खान बहादुर याद रखिए बरेली से थे. वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड, कहां थी समाधि, सॉरी समाधि, आई एम सॉरी, समाधि, समाधि कहां थी, समाधि कहां थी महारानी लक्ष्मीबाई का, कहां सिचुएटेड है, ग्वालियर में सिचुएटेड है. ग्वालियर याद रखिए. बर्थ प्लेस हो गया वाराणसी और इनका समाधि हो गया, जिसको इंग्लिश में मोजोलियम भी बोलते हैं, ग्वालियर. महारानी लक्ष्मीबाई हैड कंबैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट, ये क्या थे, होग्रोस. होग्रोस जो थे वो महारानी लक्ष्मीबाई हैड कंबैटेड इन लास्ट बैटल, इनसे अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी. द रिवोल्ट ऑफ 1857 लखनऊ वाज लेड बाय बेगम ऑफ अवध. लखनऊ में कौन थी भाई, बेगम थी. कौन, अवध, बेगम ऑफ अवध. लखनऊ में रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेड किया था. द रिवोल्यूशनरी वुमन हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध, अवध में कौन था भाई, अवध में बेगम हजरत महल. तो अवध में हो गई बेगम हजरत महल और लखनऊ में कौन थी, बेगम ऑफ अवध. वही बेगम ऑफ अवध कौन है, बेगम हजरत महल है. तो रिवोल्यूशनरी वुमन हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध कौन थी, बेगम हजरत महल. और लखनऊ में भी कौन थी, बेगम ऑफ अवध. हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ, कौन था भाई, हजरत महल. लखनऊ में फिर से वही आ गया, हजरत महल, बेगम हजरत महल बोलिए, हजरत महल बोलिए, एक ही नाम है सब. हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग अलाहाबाद. अलाहाबाद में कौन थे, तो बताइए बताइए, नाना साहब थे, नहीं. अजीमुल्ला थे, नहीं. तात्या टोपे थे, नहीं. मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली वॉज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग इन अलाहाबाद. ठीक है. 21 नंबर, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल 1857 केम फ्रॉम अवध. अवध से सबसे ज्यादा सोल्जर्स आए थे जो 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे. ठीक है, चलिए. 22. Who was commander in chief of Nana Sahab? Nana Sahab commander in chief कौन? तात्या टोपे. बचपन से जानते आ रहे हैं तात्या टोपे नाना साहब के बारे में. अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर टू नाना साहब. अब नाना साहब का एडवाइजर कौन था? तो अजीमुल्ला खान. याद रखिए, अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर ऑफ नाना साहेब. ठीक है. इनको क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता था, इस चीज को भी याद रख सकते हैं. विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश. तात्या टोपे. तात्या टोपे को क्या किया गया, उनको बिट्रे किया गया, फ्रेंड के नाम पे कैप्चर किया गया और ब्रिटिशर ने उनको मौत की सजा दे दी. चलिए 25. द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग. रामचंद्र पांडुरंग का रियल नेम लीडर्स ऑफ 1857 थे, कौन थे, तात्या टोपे, याद रहेगा. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर ये करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह, कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट, बिहार से थे. कुंवर सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं जगदीशपुर से, जगदीशपुर के. वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन 1857 अगेंस्ट ब्रिटिश. आरा, वारा ही आए जो जगदीशपुर है. आरा और रोहतास था और उसको आरा रोहतास बनाया गया जगदीशपुर को डिजॉल्व करके. हु वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरी इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. बाबू
कुंवर सिंह इनका पूरा नाम। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह वाज लेड द रिवोल्ट ऑफ संतावन इन बिहार, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ संतावन इन बिहार, कुंवर सिंह। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए बार बार आया हुआ है। द मुतनी म्यूटनी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाय डायनेमिक वर्ल्ड पर्सन नोन एज राजपूत कुंवर सिंह, राजपूत कुंवर सिंह ये म्यूटनी हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन असम, असम में कौन थे, दीवान मणिराम दत्ता, इसको याद रखिए। 33 द सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू 20 जनवरी 1858 वाज कौन था, जगदीशपुर। 1857 रिवोल्ट का सेंटर बिहार में। 34 नंबर देखिए, विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रिवोल्यूशनरी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी, कुंवर सिंह। ठीक है, द किंग ऑफ जगदीशपुर वाज कुंवर सिंह। हु डिफीटेड ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन हराया था, ठाकुर कुशल सिंह औवा। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट ए सेंटर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1857, जयपुर। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ए स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1857, शहादत खान। ठीक है, विच 39 नंबर क्वेश्चन, विच हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिटरेस्ट इनेमी ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन था भाई, मौलवी अहमदुल्ला शाह। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस बाय द पोएट गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब वाज ए पोएट हु विटनेस द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वॉज आगरा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, भगत सिंह। तात्या टोपे एसोसिएटेड थे, बहादुर शाह जफर था, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह कहां से आ जाएगा, उसे जन्म भी नहीं हुआ था। ये एमपी पीसीएस प्री में पूछा है सवाल, बताइए कितना फुद्दू सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, बेगम हजरत महल, यस कुंवर सिंह, यस मौलवी सिमदुल्लाह, यस फैजाबाद से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह जगदीशपुर से, उधम सिंह नहीं थे। व्हिच डायनेस्टी सपोर्टेड द ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट, सिंधिया ग्वालियर, सिंधिया जो थे ग्वालियर के, इन्होंने खूब सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को 1857 के रिवोल्ट में, इनको याद रखिए। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया रिमेन न्यूट्रल इन 1857, नहीं पार्टिसिपेट किया एजुकेटेड मिडिल क्लास, क्यों, क्योंकि इनको लगता था कि जो इंडिया के अंदर जो चेंजेस हैं वो ब्रिटिशर्स ही ला सकते हैं। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव स्टेट का, जो प्रोग्रेसिव स्टेट जिसको बोलते हैं हम, वो ब्रिटिशर्स ही ला सकते हैं क्योंकि वो मॉडर्न है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। ये मिडिल क्लास के अंदर ये फैक्ट जो है इम्बेडेड हो गई थी इनके माइंड के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, देखिए एग्रीकल्चर लेबर तो पार्टिसिपेट करेंगे ना, क्यों, क्योंकि उनके परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू क्या हुआ था, फार्मर्स हो गए और लेबरर हो गए, उनमें क्या हुआ, लैंडलॉर्ड को बहुत सारे अधिकार मिल गए थे, तो लैंडलॉर्ड को पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा। साहूकार क्यों करेगा, नहीं करेगा, करेगा कौन, पीजेंट, टेनेंट्स, फार्मर, लेबरर, तो ये दो चार जो है पार्टिसिपेट नहीं किए थे, साहूकार एंड लैंडलॉर्ड। 47 हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनीज कंट्रोल ओवर देम, कौन जो है डिड नॉट रिवेल नहीं किया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन है निजाम ऑफ हैदराबाद रिवेल नहीं किया था, बाकी सबने रिवेल किया था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857, झांसी यूपी में है अफेक्टेड था, रानी लक्ष्मीबाई थी, चित्तौड़ राजस्थान नहीं है, जगदीशपुर, भोजपुर, आरा है ना हेडक्वार्टर है इसका, जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह, लखनऊ बेगम हजरत महल, तो चित्तौड़ नहीं था। 49 नंबर देखिए, विच पार्ट ऑफ द बिहार वॉज अनअफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, मुंगेर अनअफेक्टेड था, क्योंकि दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, ठीक है, और शाहबाबाद जिसको हम आरा और रोहतास और आरा के बीच है, रोहतास और आरा, ठीक है, तो ये मुंगेर जो है अनअफेक्टेड था। अब देखिए भक्त खान कहां से, दिल्ली से आए थे ना, जिसको हमारे बहादुर शाह जफर ने कोई टाइटल दिया था जो अभी हमने बताया, बताइए मौलवी अहमदुल्ला कहां से लेकर थे, अवध से, और कुंवर सिंह हो गया, बताइए आरा से, और नाना साहब कानपुर से, ये याद रखिए आप। चलिए 51 नंबर फिर से आएगा वही, झांसी से कौन, रानी लक्ष्मीबाई, बताइए लखनऊ से कौन, बेगम हजरत महल है ना, कानपुर से कौन बताइए, कानपुर से कौन, अजीमुल्ला खान,
ठीक है, और फैजाबाद से कौन, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह, याद रखिए। फिर आ गया वही लिस्ट, मिलान कीजिए इसका। नाना साहब बताइए, नाना साहब कहाँ से, कानपुर से है ना। नवाब हामिद अली खान दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्लाह ये कहाँ से बताइए, लखनऊ से। और मनी राम दीवान कहाँ से, असम से। मनी राम दीवान असम से, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, लखनऊ का लियाकत अली नहीं है, लियाकत वाले सोचे थे अलाहाबाद से, ठीक है, बाकी सारा ऑप्शन सही है इसमें। यूपीपीसीएसपी का सवाल है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, लॉर्ड कैनिंग थे, ये बच्चा जानता है, आप भी जानिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। 55, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, लॉर्ड कैनिंग से, रिपीटेड, हु वॉज द गवर्नर जनरल, रिपीटेड कैनिंग, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग सिपाही म्यूटनी के टाइम में भी लॉर्ड कैनिंग, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट हु वॉज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर, देखिए ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था बैरकपुर पे जब 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ, इसका नाम था हर्षे है ना, लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हर्षे वॉज कमांडिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857 इन बैरकपुर, हु मेड द अलाहाबाद इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857, लॉर्ड कैनिंग, वही था लॉर्ड, वही बनाएगा। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857, देखिए पाल्मर्स्टन नाम है इसका, तो इसको पाल्म मतलब हाथ होता है, हाथ की हथेली होती है ना, तो पाल्म से आपको इसको याद रख सकते हैं, 1857 रिवोल्ट के टाइम पे ब्रिटिश पीएम पाल्मर्स्टन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट 1857, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल गोल, ये बीपीसी का सवाल है और यही इसका आंसर है, लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ऐसा कुछ नहीं था, इट इफेक्ट वॉज द विद इन द लिमिटेड एरिया था, पर फेलियर है, मेन कॉज बोल रहा है, मेन कॉज नॉन पार्टिसिपेट्स ऑफ लैंडलॉर्ड, ये भी कोई बड़ा बात नहीं थी, मेन कॉज है कि स्ट्रेटजी, कॉमन स्ट्रेटजी का लैकिंग था, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, या था भी तो मेजर नहीं, माइनर था। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857 फेल्ड बिकॉज ऑफ देर वॉज ए लैकनेस ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सिपाही, यस, जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिश, यस, ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रदर देन इंडियंस, यस, ये सारे ऑप्शन सही है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब यहां पहुंच गए, द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज लोकल राजपूत डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्यूशनरी, यही तो बात है, जितने भी राजपूत थे 1857 रिवोल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। 64, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ, कौन इसने अपना जिसकी डेथ हो गई, तो जनरल जॉन निक्सन, ये लॉस्ट लाइफ है, जनरल जॉन निक्सन जो है ये डाइट हुआ है 1857 में ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ दिल्ली बाय ब्रिटिश, ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस, मेजर हेबलॉक एंड जनरल नील डाइड इन लखनऊ वाइल प्रोटेस्टिंग इंग्लिश रेसिडेंस, तो ये तीन आदमी जो हैं ये अपना लाइफ लखनऊ में खो दिए थे, और जनरल जॉन निकलसन जो है निकलसन जो है जनरल जॉन निकलसन वो डाइड हुए थे ड्यूरिंग 1857 में एट ऑफ दिल्ली ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, जब दिल्ली का एक्विजिशन हो रहा था तब इनकी मृत्यु हुई थी, बाकी तीनों का जनरल नील, मेजर हैबलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, इनकी डेथ हो गई थी लखनऊ प्रोटेस्ट के दौरान जब वहां पर संतान का रिवोल्ट हो रहा था। हुज नेम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद 1857, कर्नल शंतलीगा, लेफ्टिनेंट कर्नल गिफ्ट, कर्नल वालेक, ये सारे जो थे, नन ऑफ द पर्सनैलिटीज मेंशन इन द अबव इज ऑफ ऑप्शन से एसोसिएटेड विद रिवोल्ट 1857, ऐसे कोई नहीं इसमें शामिल था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए 66 नंबर, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड ड्यू टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, एसर्शन है, रीजन है, द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव ए पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इंपोर्टेंट स्टेट सीड अवे फ्रॉम स्ट्रगल, बात सही है, बहुत सारे लोकल यहाँ के जो भी किंग्स थे वो सबने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है, अधिकांश था, और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का लैकिंग था क्योंकि बहादुर शाह जफर का इतना कंट्रोल नहीं था, बूढ़े हो गए थे, ठीक है, तो इनका क्या है आंसर, पहला आंसर होगा क्यों, एसर्शन और रीजन दोनों सही है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल टू सिक्योर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ट्रू है, भी ट्रू है, और क्या इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, ये 34 9 बीपीएससी का सवाल आया। चलिए
चलिए 67 नंबर, हु कॉल द रिवोल्ट 1857 एक कंस्पायरेसी, सर जेम्स ऑथराम एंड डब्ल्यू टेलर। इन्होंने क्या बोला था कि 1857 एक क्रांति कंस्पायरेसी है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम का इन्होंने लगाया था कि हिंदू मुस्लिम का कंस्पायरेसी है, ठीक है। मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल द रिवोल्ट 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये बीटी सावरकर साहब थे, इन्होंने बोला था कि जो 1857 का रिवोल्ट है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। हु टर्म अपराइजिंग, देखिए फिर सेम क्वेश्चन है बीटी सावरकर, चलिए धीरे धीरे आप लोग हम लोग गंतव्य पहुंच रहे हैं। ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज कौन, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एशियन सेन, तो ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एशियन सेन हुज बुक टाइटल 1857 वॉज पब्लिश इन 1957, तो ये एशियन सेन थे, ठीक है, ये ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था। द फर्स्ट इंडियन टू राइट इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज सैयद अहमद खान, ठीक है, इनको फर्स्ट हिस्टोरियन माना जाता है जो 1857 क्रांति का अपराइजिंग पे इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, ये बुक 1859 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी। द स्टेटमेंट द शो कॉल्ड नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एसोसिएटेड विद आरसी मजमूदार, आरसी मजमूदार को भारत सरकार ने क्या किया था 1857 की क्रांति पे अपॉइंट किया था लिखने के लिए पुस्तक, क्या था, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये ना तो फर्स्ट नेशनल वॉर था, नहीं ये फर्स्ट था और नहीं ये नेशनल था और नहीं ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, आरसी मजमूदार का एक कथन है। इन्होंने अपनी बुक लिखी द सिपाही मुटनी एंड द रेबेलियन 1857 और उसमें मेंशन किया। हु रोट इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजमूदार। Who was the prominent Indian historian who did not accept the revolution as a revolution? The Dr. R.C. Majumdar. देखिए इसे क्वेश्चन घुमा-घुमा के पूछते रहते हैं, इसको याद रखिए। Which one of the following conceptions is true about the revolt of 1857? It gives a death blow to the system of East India Company rulers in India. ये true कथन है, ठीक है? When did Queen Victoria declare taking over the Indian administration under British Crown? 1 नवंबर 1858, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को जो कंपनी के अंदर चलता था वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर चलना शुरू हो गया। 77 इंडियंस वर एश्योर्ड ऑफ मेनी थिंग्स इन डिक्लेरेशन ऑफ बाय क्वीन विक्टोरिया इन 1858 विच अमंग द फॉलोइंग एश्योरेंस वाज फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबंडेंट, ठीक है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो होगा उसको छोड़ देंगे, तो ये एश्योरेंस जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो फुलफिल हुआ था, ठीक है, बाकी सब नहीं। 78 नंबर देखिए, व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858, क्वीन विक्टोरियाज का प्रोक्लेमेशन 1858 का था, डू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, यस, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, यस, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड विद इंडिया, No, ये बात नहीं थी, ओनली दो ऑप्शन सही है, इस दौरान पूछा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन एसोसिएटेड विद द आर्मी रिकॉग्निशन आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, पील कमीशन आया था, ठीक है, तो पील कमीशन को याद रखिए, पील कमीशन एसोसिएटेड विद द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच डिवाइडेड द रेजिमेंट्स ऑफ आर्मी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कम्युनिटी रिलीजन, द कमीशन रिकमेंडेड 1:2 रेशियो ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया इंडियन सोल्जर्स इन बंगाल and 1:3 ratio in Madras and Bombay, ठीक है, ब्रिटिश 1:1 होंगे तो इंडियंस 2 होंगे, ठीक है, ए बंगाल साइड में और मद्रास और बॉम्बे साइड में, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स 1 होंगे तो इंडियंस 3 होंगे, ठीक है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द कहां कहां से, गुरखा से, सिख, पंजाबी, नॉर्थ, ये सब थे। तो ये रहा आज का वीडियो का अंत, और अभी तक 80 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक पे देखे, उम्मीद है ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा आपको। अगला वीडियो में चलेंगे अदर सिविल अपराइजिंग, 1857 रिवोल्ट के तरह मेजर नहीं तो माइनर तौर पे बहुत सारे अदर सिविल अपराइजिंग हैं, उनको हम देखेंगे 7th नंबर वीडियो में। और अगर ये प्रयास आपको सही लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, तब तक के लिए बाय बाय।